डिंडौरी में 3 बार के विधायक ओमकार मरकाम को कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाकर कहीं ना कहीं आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। केंद्रीय चुनाव समिति में सदस्य बनाए जाने के बाद ओमकार मरकाम डिंडौरी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ओमकार मरकाम का काफिला डिंडौरी पहुंचा तो जिले भर से जुटे कार्यकर्ताओं ने मरकाम का भव्य स्वागत किया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और शहर में स्वागत रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। ओमकार मरकाम ने सभी का आभार जताया, साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति में सदस्य बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति आभार जताया। ओमकार मरकाम ने कहा कि इस देश पर पहला हक किसी का है तो वो आदिवासियों का है। कांग्रेस के शासनकाल में आदिवासियों का चहुमुखी विकास हुआ है। कांग्रेस ने देश को संविधान दिया है, पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है पद व्यवस्थाओं में परिवर्तन। 2024 में इंडिया जीतेगा, विरोधी हारेंगे। कांग्रेस के सानिध्य में आदिवासियों का विकास आजादी के बाद निरंतर हुआ है और आज हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, चाहे हम 5वीं अनुसूची की बात करें, 6वीं अनुसूची की बात करें, इस तरह के जो आदिवासियों के मानवीय मूल को, हक को देने का काम हुआ है तो हमारे संविधान में ही हुआ है। और संविधान कांग्रेस ने दिया है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस है तो व्यवस्थाओं में हमारा पूरी तरह से आगे बढ़ने का अवसर है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 centers ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।